वेलकम टू कल 22 मई 2022 एच पी एस एस सी पोस्ट कोड नाइन थर्टी फील्ड इन्वेस्टिगेटर का पेपर हुआ था थैंक्स टू नेहा चौधरी फॉर सेंडिंग दिस पेपर टू मी इस पेपर का मैंने आपको ऑलरेडी एच पी जी के स्टडी करवा दिया था कल शाम को सॉल्व करा दिया था आपको आज इस लेक्चर में मिलेगा कंप्लीट जी इस, इस पेपर में टोटल आपकी जो तो जीके आई थी कंप्लीट आपको मिलेगी इस लेक्चर में और इसमें एच को दोबारा से सोल्व करा जाएगा क्योंकि जब बात कम्प्लीट जगह जब बात कंप्लीट जगह की हो रही है तो आपको एच पी भी करनी पड़ेगी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी वन सीरीज़ ए द न्यू ईयर फेस्टिवल इन चंद्रा एंड भागा वैली ऑफ एच पी इज कॉल्ड हिमाचल प्रदेश की चंद्र एंड भागा जो वैली है घाटी जो है उसमें मनाया जाने वाला नए वर्ष का त्यौहार क्या कहता है लोसर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर Next question 122 The High Court of Punjab before its transfer to Chandigarh was located in the Shimla in the of Option A is the correct answer. 123 The remains of the Buddhist stupa are found at which place in HP? Chetru. Chetru is the location in the district Kangra. Who was the awarded the first Chandradhar Sharma Guleri Award for Hindi Literature in 1986? Shri Keshav. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर 125 व्हिच सिटी इन एचपी इज़ आल्सो नोन एज छोटी काशी ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट मंडी डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जो आपकी छोटी काशी से जान जाती है 126 ट्वेंटी सुगर बीट एंड सैफ्रॉन आर प्रोड्यूस इन बिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच जो सैफरॉन एंड सूगर बीट है वैसे ये मेनली पाए जाते हैं किन्नौर में लेकिन किन्नौर आपका कहीं भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है और थोड़ा बहुत ये लाहौल स्पीति में भी पाया जाता है इसलिए हमारा आंसर होगा लाहौल स्पीति वन ट्वेंटी सेवन द टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ सावरा कुड्डू प्रोजेक्ट जो सावरा कुड्डू प्रोजेक्ट है उसकी टोटल जल विद्युत कितनी कैपेसिटी है एक सौ ग्यारह मेगावाट ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर वन ट्वेंटी एट एट विच प्लेस इन शिमला डिस्ट्रिक्ट हर्बल गार्डन इज लोकेटेड शिमला जिले में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हर्बल गार्डन स्थित है एक जगह है डुमरेडा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर एच ने अपना लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है अब इसमें काफ़ी डीप डीप क्वेश्चन आ रहे हैं आपके आगामी जो भी परीक्षाएं होगी हिम पुष्छ बोर्ड दौर के द्वारा जो कराई जाएगी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एच को भी काफ़ी डिटेल में पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि अब इनके क्वेश्चन काफ़ी सिंपल नहीं आते सिंपल क्वेश्चन दो तीन आते हैं लेकिन काफ़ी डीप क्वेश्चन ये पूछने लगे हैं सो एच को भी आप डिटेल में पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड अलेक्जेंड्रा ट्वेल्व ह्यूज अल्टर टू मार्क द फार्थेस्ट पॉइंट ऑफ हिज एडवांस इन टू इंडिया भारत में अपनी अग्रगति के दूरतम स्थान के प्रमाण चिन्ह हेतु सिकंदर ने कौन सी नदी के किनारे बारह विशाल वेदिकाओं का स्थापन किया व्यास रिवर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर वन थर्टी विच ट्रिटी सिग्नल्ड द डिपार्चर ऑफ द गोरखा एंड अराइवल ऑफ द ब्रिटिश ऑन द पोलिटिकल कैनवस ऑफ शिमला हिल ट्रिटी ऑफ संगोली संगोली के संधि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर वन थर्टी वन विच मुस्लिम किंग बिसाइड द फोर्ट ऑफ नगर कोट इन फोर्टीन सेंचुरी फिरोशा टुगलक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर वन थर्टी टू सुवान वैली इज लोकेट इन दिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच डिस्ट्रिक्ट ऊना इसको रिवर ऑफ सोरो भी बोलते हैं उन्ना का उन्ना की जो सोरो रिवर है वो स्वान रिवर है वन थर्टी थ्री ग्लेशियर कहाँ पे है एच में डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर कसोल होर्ड वाटर स्प्रिंग डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है कसोल भी कुल्लू में है खीरगंगा भी कुल्लू में है एंड रहा भी कुल्लू में है वन थर्टी फाइव इंद्र इंद्रहार पास कनेक्ट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट विद विच प्लेस इन एचपी पी कांगड़ा डिस्ट्रिक को किससे जोड़ता है ये इंद्रहार पास भरमौर से भरमौर कहाँ पे है चंबा में कांगड़ा और भरमौर को जोड़ने का काम किसका है इंद्रहार दर्रा का एच पी जगह यहाँ पर होती है ख़त्म अब बात करेंगे हम कंट jorimini part of jk fair Hindi plus indian english. 136. the first ever national inter-religious conference was recently held at which place in india? nagpur. option c is the right answer. 137. what was the name of the storm that has recently swept across poland, germany, france and the netherlands? aurora. -aur. Option B is the right answer. Which, which institution recently released the Global Threat Assessment Report? Those are the keys. Option B is the right answer. We protect global alliance. 139. Sandra Mason has recently been elected as the first ever president of which country? Barbados. Option B is the right answer. वन फोर्टी आपका क्वेश्चन आता है रीजनिंग का जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी अगला भी रीजनिंग का है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओ वन फोर्टी टू मच्योर रेग्रेस्ड वेलिड माउंटोनस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर वन फोर्टी थ्री काफी सिंपल क्वेश्चन है रीजनिंग का जब इसको सॉल्व करेंगे आप, आपका आंसर आएगा थ्री सिक्स एट टू ऑप्शन ए इज द राइट आंसर वन फोटी फोर विच इज़ दिच इज नॉट द और ऑफ एल्यूमिनियम As you write. Soda water contains carbonic acid. Bagasse is used for the production of paper. Nautical mile is the unit of which nautical nautical mile is a unit of distance used in navigation. Option B is the right answer. The largest lymphatic organ of the body is spleen. Paliha. Nomad man started settling in Neolithic age. काल में अधिवास की शुरुआत की विच गॉड वॉट नॉट शिफ्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिगवेदिक आर्यन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर शिव वन सॉरी फॉर दी ब्लर फोटो जो मुझे फोटो मिली है वो पहले से ही ब्लर थी सॉरी फॉर डैट लेकिन मैं क्वेश्चन आपको पढ़ूंगा आपको समझ आ जाएगा विच डेली सुल्तान इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिकल रिलेशन विद चाइना द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जलाउद्दीन खिलजी कौन सी दिल्ली सुल्तान ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए ये थे जलाउद्दीन खिलजी अगला क्वेश्चन है हु वर द मोस्ट पॉपुलर सूफीज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए राबिन सबसे लोकप्रिय सूफी कौन थे राबिन इज द फेमस सूफी द डच फर्स्ट इस्टेब्लिश देयर होल्ड इन इंडिया इन सिक्सटीन जीरो फाइव ए डी द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मसौली पट्टनम क्वेश्चन है कि वर्ष सोलह सौ पांच में भारत में डच ने पहले पहल डैश में अपने अधिकार स्थापित किए द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मसोली पटनम अगला क्वेश्चन है द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुशान ऑप्शन डी इज द राइट आंसर द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी फिफ्टीन फिफ्टी सिक्स पंद्रह सौ छप्पन में एंड पहली कब हुई थी पंद्रह सौ छब्बी में अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन कब आइडिया आया था नाइनटीन फोर्टी टू में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हु वाज दी फाइनल राइट टू सेंशेशन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी इन इंडिया भारत में लोक धन के खर्च की स्वीकृति का अंतिम अधिकार किसके पास है राष्ट्रपति के पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर प्रेजिडेंट द पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर गिवन इन विच लिस्ट द पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें निर्वाचन आयोग के अधिकारों को दिखाया गया है द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर तीन सौ चौबीस नेक्स्ट क्वेश्चन वन फिफ्टी नाइन English is the official language of which following state? Nagaland is the right answer. Structural planning refer to the changing existing, changing existing institutions or creating new ones. Option C is the right answer. One sixty one. At which particular place on Earth are days and nights of equal length always? Equator, boondheraika is the right answer. Option number C. Gibraltar is a dependency of Britain. Option C is the right answer. Which is the वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा ऑप्शन ए राइट आंसर विच इज कॉल्ड हैरिंग पॉन्ट ऑप्शन ए इज राइट आंसर अटलांटिक ओशन 165 क्वेश्चन आता है इंग्लिश का पूछा गया है करेक्ट स्पेल्ड वर्ल्ड चारों में से जो कौन सी आपकी स्पेल्ड करेक्ट स्पेल्ड है ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज एल ए एन जी यू आई एस एच सिनोनियम ऑफ प्लेसिड प्लेसिड का सिनोनियम क्या होता है काम काम ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अगला आता है आपका वन वर्ल्ड सब्सिट्यूशन अ गवर्नमेंट रन बाय डिक्टेटर कॉल्ड ऑटोक्रेसी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर अब शुद्ध शब्द है सप्तषि ऑप्शन डी इज अट आंसर प्रत्येक का संदीप क्षेत्र क्या है प्रतिजमा एक ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर समूल में कौन सा समास है तत्पुरुष ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर हु अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट इज बिलीव्ड टू बी द नेक्स्ट इन ऑफ गौतम बुद्ध बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का आगामी अवतार किन्हीं माना गया है मैत्रे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट अजंता केवज ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर दे डिपिक द टेक्निक यूज इन एशियंट इंडिया वन सेवनटी थ्री इन इंडिया एशियंट आयर एन एज इज अटैच विद द ग्रे पोट्री दूसर कुम्हारी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर वन सेवनटी फोर द किशन स्वामी टेम्पल इन द हम्पी इज सिचुएटेड इन विच प्लेस विच स्टेट ऑफ इंडिया कर्नाटका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर

In which session of Indian National Congress, INC, the tricolor flag was unfurled for the first time? Option number C Lahore, Lahore Congress 1929. Option C is the right answer. 179 Person may change, but rules should not change, is a principle of constitutional government. Option B is the correct answer. 180. अगला क्वेश्चन है ये भी फोटो थोड़ी ब्लर है हु अमंग फॉलोइंग दॉ नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंस्टिट्यूट असेंबली निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे जेबी जे कृपाणी भी थे के एम मुंशी भी थे सदा पटेल भी थे लेकिन जे प्रकाश नारायण नहीं थे ऑप्शन ए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर जे प्रकाश नारायण इज द राइट आंसर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों को निश्चित करता है ऑप्शन नंबर डी वन सिक्सटी सेवन आर्टिकल हाई कोर्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कोलकाता इससे हमारा आंसर होगा वेस्ट बंगाल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर द फर्स्ट जनरल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया एंड द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हेल्ड इनटीन फिफ्टी वन उन्नीस सौ इक्यावन इज राइट आंसर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT looks after the case related with the environment and forest conservation. Option D is the correct answer. Pulsar are rapidly rotating star. Tevr Ghuni Tari. Option C is the correct answer. Repeatedly rotating stars. 186, the atmospheric layer farthest. The atmos atmospheric layer farthest from the Earth's surface is known as. पृथ्वी की स्थे से सर्वाधिक दूरी पर जो है उस वायुमंडल पर्द को क्या कहते हैं बही मंडल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर वन एटी सेवन विच ऑशन इज हैविंग द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ आर्कटिक ओशन आर्कटिक ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर विच इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग डैट इन्वॉल्व बोथ ग्रोइंग द क्रॉप्स एज वेल एज रेजिंग द लाइफ स्टॉक कौन सा एक ऐसी कृषि का प्रकार है जिसमें फसल उगाना और पशुधन का पालन पोषण भी दोनों शामिल होते हैं दैट इज द मिक्स फार्मिंग मिश्रित कृषि मिक्स फार्मिंग अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन विच रिड्यूस द विजिबिलिटी एंड कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम इज स्मोक धुआं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर उकाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द गुजरात विच पेयर इज नॉट ट्विन सिटीज ऑप्शन डी इज राइट आंसर दिल्ली एंड न्यू दिल्ली यह गल दिया गया है द सिचुएशन इन विच टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट इज नॉन एज ए ब्रेक इवन पॉइंट ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिसमें कुल लागत के समान कुल राजस्व होता है दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट इसको बोलते हैं हिंदी में सम विच्छेद बिंदु द मैक्सिमम ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक इज इन यू के यूनाइटेड किंगडम इंडियन बैंक की जो सवारी शाखाएं हैं है, वो कहाँ पे हैं यूके में यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट अ डिमांड ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलती गई है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ये गलती दिया गया है इट मे बी डिसऑनर्ड फॉर द लैक ऑफ फंड नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंपोनेंट ऑफ लाइट आर ऑब्जॉर्व बाई क्लोरोफिल ऑप्शन नंबर ए वाइट एंड रेड बैंगनी एंड लाल इज द राइट आंसर कोल्ड लीवर ऑयल इज रिच इन विच विटामिन विटामिन डी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी बिलो ट्वेंटी हर्ज और कॉल्ड बीस हर्स से जो कम आवृत्ति की ध्वनि होती है उसको क्या बोलते हैं अवश्रव्य ध्वनि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इंफ्रासोनिक साउंड विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील आयरन क्रोमियम एंड निकल लोहा क्रोमियम निकल इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वट इज द नेम ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉम विच मेड लैंड फॉर ऑन थ्री साउथर्न अफ्रीकाज अफ्रीकन स्काउंट कंट्री ऑप्शन ए राइना, इसको रीना ये बोलते हैं ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर दैट इज द्रंट अफेयर अंटानियो कोस्टा हैज़ बीन रिसेंटली री एलेक्टेड द अंटानियो कोस्टा हैज़ बीन रिसेंटली री एलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री जो एंटोनियो कोस्टा है वो कौन से देश के बने हैं प्रधानमंत्री द्वारा से पुर्तगाल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अस्सी क्वेश्चन हमने स्टडी कर लिए हैं इस पेपर के जो जिके गए थे जेके पार्ट होता है कंप्लीट सॉल्व एट्टी क्वेश्चन आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं अगर आप में से किसी ने ये पेपर दिया है तो आप बताएंगे कि आपने जे में अस्सी में से क्या स्कोर लिया अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो बाद में उसको रेक्टिफाई कर, कर दिया जाएगा और कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर दिया जाएगा आफ्टर फाइनल आंसर की शाम को पेपर हुआ था नाइन फिफ्टी वन पेपर अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा है इसलिए अभी तक उसका सोलेशन आपको नहीं मिला है जैसे आप लोगों से वादा किया था मैंने कि जो आपके लेटेस्ट पेपर होते हैं सेम डे पर आपको सोल्यूशन मिलेगा लेकिन अगर पेपर नहीं पहुंच पाएगा तो सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा कल पेपर नहीं पहुंचा है उसका जैसे वो पहुंचता है उसको सोल्यूशन आपको मैं पॉइंट कर दूंगा और अभी तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर अभी तक आप टेलीग्राम पर भी नहीं हो तो आप चैनल पर आ जाइए टेलीग्राम का लिंक आपको मिले, मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और आप खुद भी सर्च कर सकते हो एट द रेट सी एस अंडर स्कोर सोल्यूशन नाइन्टी फाइव आपको चैनल विजिट हो जाएगा सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू पेपर न्यू कंटेंट न्यू नॉलेज न्यू कंसेप्ट थैंक यू हैव अ नाइस डे